मैं प्रकाश, सारे शिक्षकगण को एक बार नमस्कार। करंट हेवन पर दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन में ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, विधिवत पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने वर्ग और आयत के बारे में पढ़ा, जिस प्रकार हमने वृत्त के बारे में 3 से 4 वीडियो में पढ़ा, उससे बाहर तो शायद ही कोई आपको कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है जितना आपको बता दिया गया। चाहे वो कोई भी शिक्षक भर्ती हो दोस्तों, चाहे वो जो भी हो, चाहे जिस भी लेवल का शिक्षक भर्ती हो, इससे बाहर एक भी चीज़ नहीं आने वाला है। पहले आप कॉन्सेप्ट पूरा ले लीजिए बेहतरीन तरीके से, फिर एक साथ हम लोग क्वेश्चन धाकड़ तरीके से करेंगे। बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों आपको, है ना। तो चलिए आज हम ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि त्रिभुज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सारी चीज़ें आपको पता है, जो त्रिभुज है दोस्तों वह 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। इसमें 3 शीर्ष भी होते हैं और त्रिभुज के बहुत प्रकार होते हैं। बहुत मतलब कि अगर हम जानना चाहते हैं तो 4 तो मेन ही होता है, जिसमें कि पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो जिसके कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे इक्विलिब्रियम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा वाले, मतलब तीनों भुजा जब बराबर होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, सारे भुजा अलग अलग होते हैं, उसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, है ना, मतलब विषमबाहु त्रिभुज। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है दोस्तों, जिसमें 2 भुजा बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है आपका 90° ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, ये चीज़ याद रखेंगे। तो इतने हो गए आपके 4 त्रिभुज। चारों त्रिभुज से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे दोस्तों। ध्यान से लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक जो बच्चा बना रहता है वही सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से सीख पाता है। बहुत बड़ी वीडियो भी तो नहीं बनती है, तो आप लास्ट तक बने रहिए और सारे वीडियोज फॉलो करिए। एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि और बच्चे जुड़ सकें आपके साथ में जो हूँ। और आपका यह 23वां लेक्चर है मैथ का दोस्तों, तो आप सारे वीडियो जो नहीं देखे हैं फॉलो कर लीजिए। बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट, यूपीटेट और एसटेट का, तो सारे स्टेट के लिए, जिस भी आप स्टेट से जुड़े हुए हैं सारे स्टेट के लिए फॉलो करेगा दोस्तों, है ना। तो ट्रायंगल का अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल, मतलब कि अगर बेसिक्स चीज़ें बात करें, यही त्रिभुज होता है आपका, यही होता है त्रिभुज, समझ रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, यह ए है तो इसके सामने की जो भुजा है उसको हम दे देते हैं स्मॉल ए। अगर ये आपकी बात करें दोस्तों, यह बी है तो इसके सामने की भुजा की बात कर लेते हैं, इसकी लंबाई है बी, ठीक है। अगर हम इसको सी मानते हैं कैपिटल, तो इसको स्मॉल सी ले लेते हैं, यह बातें हैं। अगर हम इसमें परपेंडिकुलर डालें, परपेंडिकुलर यानी कि इस ए से जो शीर्ष ए है ना, यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरह परपेंडिकुलर डाल दिए इस पर बी सी पर, तो यह इसकी हाइट हो जाएगी, इस त्रिभुज की हाइट हो गई एच, बिल्कुल शीर्ष से, यह चीज़ याद रखिएगा। अब हाइट इसकी एक और हो सकती है, पता है कौन सी, देखिए यह वाली भी हाइट हो सकती है, यहाँ पे हम बनाते हैं। 2 हाइट इसकी और हो सकती है, कौन कौन सी, अगर सिंपल सा त्रिभुज इसी तरह रहे ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, ये जनरली लिख लेते हैं सारे बच्चे। देखिए यह भी इसकी हाइट है, जो कि हम इस बी पर, मतलब कि बी ए सी पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यह भी एक हाइट ही है, याद रखेंगे। लेकिन बेस उसके लिए हमारा क्या है, एसी है, और इसके लिए बेस क्या है, इस त्रिभुज के लिए बीसी है। सबके लिए एरिया निकलेगा, कुछ बच्चे रट के जाते हैं कि सर अगर इसी तरह सीधा आएगा तभी एरिया हो जाता है, इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे ए ए, अगर इसको डी दे दे तब इसका नाम डी दे दिए, यह तो ए हमारा, यह पूरा डिस्टेंस है ना, इसका नाम डी दे दिए इस पॉइंट का, तो ए डी मतलब हाइट गुणे बेस यानी कि आधार बी सी। बहुत सारे बच्चे सीधा सीधा यही रट के जाते हैं, जब आएगा तो ए इक्वल टू 1/2 लिखेंगे और हाइट लिखेंगे और बेस उनका ए है तो ए लिख देंगे, ये सिंपल सा हो जाता है। लेकिन तो अगर थोड़ा सा घुमा देगा ना, इस तरह दे देगा हाइट, तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे, सर इसमें हाइट ही नहीं दिया था, या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। हम आप लोग की बात नहीं कर रहे, मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें यह देख रहे हैं दोस्तों 90° है और यह भी 90° है, सेम यहाँ पे भी यह 90° होगा और यहाँ भी 90° होगा। इस 90° के सामने आपको पता है कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। अगर आप थीटा जो है यहाँ पे लेते हैं, हाइपोटेनियस 90° के सामने, अगर थीटा आप यहाँ पे लेते हैं तो थीटा के सामने लंब, समझ रहे हैं ना, मतलब कि परपेंडिकुलर, और थीटा से लगे हुए भुजा को हम क्या कहते हैं, बेस यानी कि आधार कहते हैं। तो वही आपका यह हो जाएगा हाइट
और बेस का गुणन 1/2 कर देंगे तो एरिया निकल जाता है। ठीक है, पेरीमीटर कुछ नहीं है, पेरीमीटर का मतलब आप अगर इसका परिमाप निकालना चाहते हैं तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, यह परिमाप होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप यही होता है। सारी चर्चाएं करेंगे, जितने प्रकार के त्रिभुज हैं ना सबकी बातें करेंगे, आप बस शांति से बनाए रखिए। अगर इसकी एरिया की बात करें तो, अगर इस त्रिभुज की एरिया की बात करें तो दोस्तों, तो देखिए यह वाला अगर बात करें, यह बेस होगा आधार यही होगा ना, तो 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 यह क्या होगा, AC आधार गुड़े हाइट, हाइट हमारा क्या है, यह वाला हाइट है ना, तो बी अगर इसको हम नाम दे देते हैं डी, तो BD गुड़े BD, समझ रहे हैं, तो 1/2 अगर यह पूरी लंबाई हमारा बी है तो गुड़े बी कर लीजिए, और अगर यह हाइट हमारा एच है तो यह वाला पूरा BD एच हो गया, तो इसका एरिया आ गया दोस्तों यह पूरा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें शालीनता से ध्यानपूर्वक, शिक्षक गढ़ है ना, तो सारी चीज़ें सीखते चलिए क्योंकि आपको भी भविष्य में सिखाना है। चलिए अब देखिएगा आगे, अगर हम इसी चीज़ को यहाँ से अगर ऐसे डाल दें दोस्तों, लंब यहाँ से ऐसे इसको परपेंडिकुलर डाल दें, तो यह देख रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, अगर यह चीज़ें हमने देकर यह वाली हाइट ना दिया जाए आपको, अब बोला जाए आप बताइए इसका क्या एरिया, तो आप कहेंगे सर सिंपल है, यह सी है पूरा का पूरा भुजा और यह बी है, तो इसमें इस बार जो हाइट इधर बदल दिया है, क्या दिया दोस्तों, इधर दे दिया हाइट, अगर इसको उलट के देखेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा, बस घुमा दिया है, तो इस बार जो एरिया होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/2 गुड़े हाइट, और इस बार जो बेस होगा ना वो सी हो जाएगा। ये तीनों तरीके से फार्मूला आप नोट कर लीजिए, कभी भूलना नहीं है और ना ही कभी कन्फ्यूज होना है। एग्जामिनर ट्रेंड बदलेगा नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा कर देगा या फिर थोड़ी सी घुमा देगा, यही सब सारी चीज़ें कर देता है, सिंपल त्रिभुज न देकर इस तरह से त्रिभुज दे देगा, तो आसान क्वेश्चन भी हार्ड हो जाते हैं। बना लीजिए आप लोग फटाफट, चलिएगा अब हम लोग और की तरफ चलते हैं, अगर ऊंचाई नहीं दिया हो तब के लिए चलते हैं। ठीक है ना, अगर ऊंचाई दिया ही ना हो त्रिभुज में, अगर ऊंचाई दिया रहता है तो हम इस तरह निकाल लेते हैं, अब अगर ऊंचाई ही ना दिया हो त्रिभुज में तब कैसे निकालेंगे, अगर ऊंचाई ही ना दिया हो, हम कहें ऊंचाई नहीं दिया है, ये केवल एंगल दे दिया है थीटा, और यह दे दिया है ए है साइड, यह दे दिया है बी है साइड। ठीक है दोस्तों, इस तरह दे दिया है, यह अपना ए है भैया, ये अपना बी है, ये अपना सी है, इस तरह से दो साइड दे दे कोई और एक थीटा दे दे एंगल, तो बताइए एरिया कैसे निकलेगा। सर जी हमारे बताइए भविष्य के बनने वाले छात्रों मतलब सॉरी शिक्षकों, तो बताइए आप लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता होगा दोस्तों, अगर इसका साइड नहीं दिया है पूरा, सॉरी हाइट नहीं दिया है और दो भुजा एक एंगल दे दिया है, तो सिंपल सा जो फार्मूला होता है आप लगाएंगे क्या दोस्तों, डेल, डेल मतलब एरिया की पहचान होती है, इसी को एरिया कहते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 जिस पे ये एंगल बना हुआ है, जिस पे ये एंगल बना हुआ है वह दोनों साइड का मान अगर दिया है तब हम आराम से निकाल लेंगे, तो जाहिर सी बात है जो थीटा है उसी थीटा से जो सटे हुए भुजा हैं उन्हीं भुजा का मान दिया हुआ है हमें, ए और बी, इसकी वैल्यू नहीं दिया है तो इंटू कर देंगे ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया था, है ना, कैसा क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया था दोस्तों, अगर यह और यह भुजा समान हो, क्या दे दिया था, अगर यह और यह भुजा समान हो, मतलब कि अगर यह आपका 10 है तो यह भी 10 है, ठीक है, यह दोनों भुजा समान है, यह चीज़ इस तरह नहीं दिया था, एक मिनट रुकिएगा, यह वाले दोनों दोस्तों, यह वाले और यह वाले भुजा क्या हो, समान है, यह वाला भी 10 है, यह वाला भी 10 और यह वाला भी 10, समझ रहे हैं, और यह वाला जो है दोस्तों एंगल आपको दे दिया था कितना, 30 डिग्री ले लेते हैं, 60 का आधा करेंगे 120 दिया था शायद, इस तरह कुछ दिया था, मान लेते हैं 120, वैसे 120 यह दिख नहीं रहा हमें, लेकिन मान लेते हैं ये 120 दिया था, यही दिया था, इस तरह से पूछा गया था, तब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अभी तो सर ने बताया कि जो एंगल दिया होगा उससे लगे हुए दोनों साइड का वैल्यू दिया होगा, समझ रहे हैं, उससे लगे हुए दोनों साइड का वैल्यू दिया होगा, एक मिनट बेटा कहीं गड़बड़ हो रहा है, रुकिए, तो कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, एक मिनट रुकिएगा, इसको हम बना रहे हैं अभी, 120 ना देकर इसको यहाँ पर अगर 10 दिया है, इस तरह से दिया था, एक मिनट रुकिएगा बेटा,
यह आपका 10 दिया हो, इस तरह से दिया था, और सही है बेटा, सही इसी तरह दिया था। यह 60 ले लेते हैं हम लोग, इस तरह दिया था, मान लीजिए 60 दिया हो, ठीक है ना, यह 60 दिया है, इस तरह से दे दिया था, यह 60 है, और यह भुजा आपका भुजा पे ही दिया था, यह वाला इधर ही दिया था, इस तरह दिया था। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है, एक और कॉन्सेप्ट से दिया था न्यूमेरिकल, अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा दिमाग में आता है तो, वरना नहीं तो हम इसको कराएंगे जरूर सारे क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, सिंपल सा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, सर एंगल दे दिया था और दोनों भुजा समान दे दिया था, तो इसमें एरिया पूछा गया था, तो एरिया आराम से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। जो आपका ये 60 डिग्री है ना, इसमें रख दीजिए, 1/2 गुणे 10 गुणे 10 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 60, मतलब कि थीटा की वैल्यू साइन 60 डिग्री। अभी साइन 60 की वैल्यू होती है, इस 2 से 5 मतलब काट दिए, 5 10 बचे 50 हो गया, और गुणे √3/2 होता है, 2 से इसको काट देंगे तो 25√3, यही आपका एरिया होगा स्क्वायर, यानी कि वर्ग यूनिट, जो भी यूनिट दिया हो आपको, जो भी आपको यूनिट दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, मीटर दिया हो, तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। यह क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, बेहतरीन है, इस कॉन्सेप्ट को अगर सीख गए हो तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। आपने आप जानते होंगे दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो बस उसी बेस पे यह फार्मूला बना हुआ है, उसी बेस पर यह फार्मूला बना है, और वही फार्मूला हमको डायरेक्ट यूज करने को आ जाता है, तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं आराम से। चलिए, आपने दो चीज़ें सीख लिया, अगर हाइट ने दिया हो तब एरिया कैसे निकालेंगे, और सिंपल सा अगर घुमा के हाइट दे दे तब एरिया सिंपल तरीके से हम सिंपल त्रिभुज से निकाल सकते हैं, जनरली 1/2 गुणे हाइट गुणे बेस कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। अब एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपका विषम बाहु त्रिभुज दिया हो, कैसा दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज दिया हो, मतलब कि अभी हम विषम बाहु, सम बाहु, समद्विबाहु का नहीं बता रहे हैं, सिर्फ सिंपल सा जो त्रिभुज होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर यह आपका ए है भुजा तो स्मॉल ए, अगर यह आपका बी है भुजा तो साइड स्मॉल बी, अगर आपका सी है या शीर्षक तो स्मॉल सी, इस तरह से दिया हुआ है कुछ। आपको बताना है इस त्रिभुज का परिमाप और इस त्रिभुज का एरिया, तो इस तरह से भी क्वेश्चन एक आया था, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। इसका देखिए परिमाप होता है दोस्तों, जाहिर सी बात है किसी भी त्रिभुज का परिमाप उनके भुजाओं का योग होगा, चाहे वो जो भी आपकी आकृति हो, बस चारों तरफ का एडिशन कर दीजिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब इसका जो एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों, उसके लिए हम लोग हीरोज फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, हीरोज फार्मूला। सर यह कहा, यह क्या होता है हीरोज फार्मूला, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये डेल्टा जो है एरिया का सूचक है, अब यहाँ से हम लोग आराम से बता सकते हैं, स्मॉल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है दोस्तों किसका फार्मूला, हीरोज फार्मूला का, जो कि तब लगता है जब ए बी सी बराबर नहीं होते हैं, हम बताएंगे इसका अच्छे तरीके से आपको बताएंगे जब विषम बाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, अभी फिलहाल में आप डायरेक्ट इसको देख लीजिए। यह होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, विषम बाहु त्रिभुज के लिए। अब यस क्या होता है सर, यस का मतलब होता है दोस्तों अर्ध परिमाप, परिमाप कितना है आपका, ए प्लस बी प्लस सी, अब अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 1/2 कर दीजिए, वेरी सिंपल होता है दोस्तों, इसमें कुछ हार्ड नहीं होता है। आपका जो यह वैल्यू ए बी सी ना आराम से दे देगा, अगर ए की वैल्यू 10 देता है, सी की वैल्यू अगर मान लीजिए 20 देता है, अगर बी की वैल्यू दे देता है मान लीजिए हम दे देते हैं 12 या फिर ले लेते हैं 30 देता है, तो आप यस निकाल लेंगे आराम से दोस्तों। यस कैसे निकालेंगे, 30, 20, 50, 10, 60 क्या हो गया, जो यस की वैल्यू है क्या हो गया, 60/2 यानी कि 30 आ गया, जो भी मात्रक हो सेंटीमीटर में हो मीटर में हो रख लेंगे 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे एरिया निकालने के लिए दे देगा, तो सिंपल सा यस की वैल्यू आपने निकाल रखा है 30, अब ए की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू कितनी है भैया 30 है, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू जो है दोस्तों कितनी है, 30 - 30 से 0 ही हो जाएगा, एरिया कैसे 0 हो सकता है, यस की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, 30 - 10 = 40 - 20 = 60, 60/2 करेंगे तो 30 ही तो आएगा, और 30 - 30
और बी की वैल्यू 30 सही है, तो 30 माइनस 30 तो 0 हो जा रहा है, तो एरिया 0 हो गया। अच्छा, हो सकता है भुजा हम गलत ले लिए हों, तो चलिए इसको बढ़ाव घटा लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं भैया, क्या ले लेते हैं, 10, इधर भी 10 ही ले लेते हैं। चलिए 10 10 20 20 40, तो 40/10 कर, 40/2 कर दीजिए, तो यानी कि 20 आ गया। 20 आ गया, तो 20 माइनस 20 वहाँ भी 0 हो जा रहा है। 20 माइनस 20, 20 इंटू 20 माइनस 10, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया। तो यहाँ पे 8 ले लीजिए, देखिए किसी न किसी तरीके से सही करिए इसे। 10 10 20 8 28, अगर हम 28 मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो 28/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब सही आ रहा है, अब सही है दोस्तों, है ना, अब सही है। क्योंकि इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि दो भुजाओं का योग जो होता है, तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। तो देखिए अगर दो भुजा का योग कर देते हैं 10 10 20, तो इससे बड़ा तो है नहीं, लेकिन अगर इससे बड़ा आ गया ना, 10 10 20 इससे बड़ा आया, 10 8 18 तीसरी भुजा से बड़ा आ गया। अब अगर हम 10 8 18 इसको भी ऐड करें तब भी ये बड़ा आ जाएगा, मतलब इससे। तो दो भुजा का, कोई भी दो भुजा का योग करें तो तीसरी भुजा जो बचा हुआ है उससे बड़ा आना चाहिए। इसी आधार पर त्रिभुज बनता है, बस वही चीज़ आपको बताया गया है ना, यह चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों आप। अब ये देखिए 14 आ गया यस की वैल्यू, तो यहाँ पर रख दीजिए, यस की वैल्यू कितनी है, 14 है। अब 14 माइनस ए करेंगे, तो 14 माइनस ए मतलब 10, तो बचेगा 4। 14 माइनस बी यानी कि 10 फिर करना पड़ेगा माइनस, फिर से 4। 14 माइनस 8 करेंगे, तो 8 6 14 होता है, तो 6 हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, 7 इंटू 2, अब यहाँ पे 4 कॉमन होगा, यहाँ पे 2 इंटू 3, तो यहाँ पे देखिए एक 4 बाहर निकलेगा और एक 2 बाहर निकलेगा, अंदर बच जाएगा 7 3 21, यानी कि 4 2 8 इंटू 7 3 21, 7 3 21 बेटा, यह हो जाएगा आपका एरिया, किसका, यह सम विषम बाहु त्रिभुज का, जब 10 8 10 दिया हो तो आराम से आप निकाल सकते हैं। यह वेरी सिंपल, मतलब बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है दोस्तों, इस तरह का बनता है, और बताएंगे जैसे बनेगा। अब हम यह चीज़ें सीख लिए है ना, चलिए। अच्छा अगर बताइए, अगर हम कहें बेटा थीटा यहाँ पर दिया था, जो थीटा है यहाँ पर दिया था और ए बी साइड दिया था, तो इसका एरिया आप तुरंत बता देंगे क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी साइन थीटा। अगर थीटा यहाँ पे दिया हो तो यहाँ पे सी दिया होगा, तो बी सी साइन थीटा। अगर थीटा यहाँ पे दिया हो, या दोनों ना दिया हो, या दोनों, तो आप कर देंगे ए सी साइन थीटा, 1/2 ए सी इंटू साइन थीटा। ये चीज़ समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ें कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कभी गलत नहीं होना चाहिए, और नहीं कभी कन्फ्यूज होंगे आप, हमेशा देखेंगे जहाँ पर थीटा है वह दोनों साइड दिया रहना चाहिए। शीर्ष यह है, तो शीर्ष का इधर वाला और इधर वाला साइड दिया है तब यह फार्मूला लगेगा हमारा, अन्यथा नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है इक्विलेटरल में तीनों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ए ए ए होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, यानी कि यह वाला यह वाला यह वाला सब बराबर होंगे। अगर बात करें आइसोसेलेस में क्या होता है, तो दो ही भुजा बराबर होता है। अगर बात करें स्केलन में, तो कोई भुजा नहीं बराबर होता, यानी कि विषम बाहु होता है। अगर बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बात करेंगे दोस्तों उसमें दो तरीके से बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में समद्विबाहु भी बनता है और समबाहु भी बनता है, मतलब सॉरी समद्विबाहु और विषमबाहु राइट एंगल ट्रायंगल में, यह बात अभी हम बताते हैं आपको। यह देखिए आपका इस तरह हो गया। अब इसका एरिया निकालना है सर हमें, अगर यह साइड ए मतलब शीर्ष ए बी सी दिया हो तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हाइट ना दिया हो तो बेहतरीन तरीके से निकालेंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, बस उसी पे बेस है। देखिए हम यहाँ से क्या किए दोस्तों, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया हमने, तो आपको पता है किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वह लाइन दो भागों में बट जाता है। अगर यह पूरा ए है तो यह ए बाई टू होगा और यह भी ए बाई टू होगा दोस्तों, क्लियर है, यह भी ए बाई टू और यह भी ए बाई टू होगा। अब आपको पता है दोस्तों, यह हमारा अगर थीटा मान लें इसको हम थीटा, यह तो 90 डिग्री होगा और यह भी 90 डिग्री होगा। अब यह थीटा है, इसको माने हैं, तो थीटा के सामने क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर लंब, और थीटा से लगे हुए भुजा को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। तो आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू इस बेस का, इस वाले बस ट्रायंगल में देखिएगा आधे ट्रायंगल में,
आधा, ये समरूप है ना, समरूप मतलब सिमेट्री है, सिमेट्री। जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो सिमेट्रिकल भी होता है। सिमेट्रिकल का मतलब समझ रहे हैं, बचपन में हम लोग खेलते थे ना कि कागज़ ले लिए, एक कागज़ पे अपना जो हमारा पेन होता था, पेन से स्याही निकालते थे और फूक लगाते थे, फूक लगाकर उस पेज पे स्याही निकाल देते थे, फिर उसके बाद कहते थे इस पेज को मोड़िए, इस पेज को मोड़ देते थे, मोड़ने के बाद दबा देते थे, खूब कचक के दबाते थे, दबाने के बाद उसको ओपन करते थे, लोगों को दिखाते थे कि देखिए तितली बन गया, दिखाते थे ना तितली बन गया, या फिर कोई और चीज़ बन जाता था तो कोई और कहता था देखिए हमारा यह वाला, मतलब कि स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया, आयत बन गया, इस तरह कहते थे ना। तो यही है सिमेट्रिकल दोस्तों, जो आपने बचपन में सीखा है। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ की सेम चीज़ हो, जो इधर हो वही चीज़ इधर हो। तो बस यही चीज़ है, आप देख सकते हैं h का स्क्वायर ये वाला हो गया आपका h का स्क्वायर, क्योंकि ये लंब है, लंब प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है आपका a बाई टू, ये वाला a बाई टू है, तो प्लस a बाई टू का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है आपका, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों, हाइपोटेनियस a है तो a का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करिए, h की वैल्यू निकालिए, तो हम सॉल्व करते हैं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में फोर, इसको स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में फोर। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो एच स्क्वायर फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, थ्री ए स्क्वायर अपान में फोर होगा। अब एच की वैल्यू क्या होगी, रूट में थ्री ए स्क्वायर अपान में फोर होगा, यही तो होगा। अब इसको फिर से थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे तो रूट थ्री अपान में टू इंटू ए, ये हमारा हाइट होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे डायरेक्टली आपके एग्जाम में हाइट भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ा सा बड़ा मान लीजिए न्यूमेरिकल है, छोटा सा छोटा न्यूमेरिकल है, इस तरह का बोल दिया, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, मतलब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब तीनों भुजाएँ बराबर हैं, अगर भुजाएँ 10 दे दे, ए की वैल्यू 10 दे देगा, कितना दे देगा 10 दे देगा, सब तरफ 10 दे देगा, तो बोलेगा इसका हाइट बताइए, तो आराम से अगर भुजा 10 है तो आप इस न्यूमेरिकल में आएंगे, भुजा की वैल्यू 10 रखेंगे, 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आएगा, तो 5 रूट 3 हो जाएगा हाइट। एक तरह से यह सिंपल क्वेश्चन बनता है और बेहतरीन, जो बच्चा नहीं पढ़ा होता है ना वह नहीं लगा पाता है और एक दो नंबर गंवा देता है, समझ रहे हैं ना, आसानी से कॉन्सेप्ट ही तो है, याद कर लीजिए। अब हमको पता हो गया हाइट, तो हमको पता है किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है एक बटे दो गुणे हाइट गुणे बेस होता है। अब हमको एक बटे दो पता है और हाइट क्या निकल के आया, रूट थ्री अपान में टू इंटू ए आ गया, बेस तो हमारा ए है ही, बेस का मतलब वही भुजा, तो चारों तरफ की भुजा, तो तीनों तरफ की भुजा हमारा ए तो है ही ना, यह अगर बेस ले लेंगे तो यह हो गया हमारा ए, तो ए से गुणा कर दिया हमने, तो एक बटे दो गुणे रूट थ्री अपान में दो ए स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली आप फार्मूला बता सकते हैं एरिया का, रूट थ्री बटे चार ए स्क्वायर होता है किसका एरिया दोस्तों, किसका एरिया बताइएगा, किसका एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का। बातें क्लियर हैं, विषमबाहु का आपने एरिया निकालना सीख लिया और समबाहु का भी निकालना सीख लिया। अच्छा समद्विबाहु का एरिया कैसे निकलेगा सर, जिसमें दो भुजाएँ बराबर होंगी, तो उसके लिए भी चलिए प्रयास करते हैं। चलिए अब बनाइए एक त्रिभुज विषमबाहु का, किसका दोस्तों, सॉरी समद्विबाहु का, इसमें दो भुजाएं समान हों, यह ए है यह भी ए है। अब एक कंडीशन है दोस्तों इसमें, यहां पे आपको बताएंगे हम, यह बी है, यह अगर आपका कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, तो अब दो भुजाएं जब बराबर होती हैं ना किसी भी त्रिभुज का, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है उसको पता होगा, तो जिस बेस पर यह दोनों भुजाएं बराबर हैं उस बेस से जो एंगल बनेगा वह भी बराबर होगा, समझ रहे हैं। तो आपको इस तरह भी दे सकता है, अगर अगर दे दिया यह वाला एंगल 30 है तो यह वाला एंगल बताइए, हमने पढ़ा था ज्यामिति में, याद करिए ये सब ज्यामिति के प्रश्न हैं, तो हमने पढ़ लिया है पूरा ज्यामिति, बिल्कुल ढंग से पढ़ा है बेहतरीन तरीके से, एक भी प्रश्न नहीं छोड़े हैं, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। अब देखिए दोस्तों ये समद्विबाहु है, यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। अब अगर हम कहें यह ए है या ए है या आपका बी है, तो अगर बोलें दोस्तों यहाँ से हम शीर्ष लंब डालें यहाँ से, तो जाहिर सी बात है यह भी बी अपान टू बनेगा और ये बी अपान टू बनेगा, इसमें भी तो हाइट चाहिए हमें,
तभी तो हम यहाँ पे रखेंगे एरिया की वैल्यू एक बटे दो गुड़े, क्या रख देंगे एक बटे दो गुड़े हाइट इंटू बेस। ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए, लेकिन आपको इस सब की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बता रहे हैं ना, कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे इसका त्रिभुज से रिलेटेड। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या दोस्तों, सिर्फ आपको ट्रिपलेट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिपलेट जो हाइपोटेनियस जो आपका पाइथागोरस थ्योरम देता है, ट्रिपलेट जैसे 3 4 5 है, 6 8 10 है, समझ रहे हैं ना, ये सब ट्रिपलेट हैं। तो ट्रिपलेट हमने बता दिया है कैसे निकलता है ना, तो उस आधार पे हम करेंगे बेहतरीन तरीके से। कोई इससे बड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल ले लेंगे इसका, ट्रिपलेट उड़ा देगा। हम बताते हैं और गारंटी देते हैं इस किसी भी फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे जब त्रिभुज का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है, कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, आपके सामने सॉल्व करेंगे। पहले इसका नंबर ये बताइए, अगर बात करें दोस्तों इसमें हाइट की, पहली बात हमको जरूरत है, बेस तो हमें पता है बी है, लेकिन हाइट नहीं पता है, क्योंकि हाइट ही निकालना है। तो सिंपल सा है, वही फार्मूला, एच का स्क्वायर, यह आपका क्या है दोस्तों, हाइपोटेनियस है, यह हाइपोटेनियस है तो आपको पता है एच का स्क्वायर प्लस बेस क्या है बी अपन टू का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। यहाँ से एच की वैल्यू आप निकाल लीजिए, एच का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे चार, ठीक है दोस्तों। फिर एच की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे 4a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे के चार, यही तो होगा। अब यहाँ पे ये यह रूट में है, किस में है, रूट में है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू देख लीजिए, ये एक बटे दो बाहर आ गया, एक बटे दो रूट में क्या बचेगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों, यह h की वैल्यू आ गया। अब आपको h की वैल्यू पता है और b है बेस आपका, ठीक है, h की वैल्यू पता है और b है बेस, तो यहाँ पर रख दीजिए एक बटे दो, एच की वैल्यू आपने कितना निकाला एक बटे दो फिर से गुड़े, यह रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है स्मॉल b, तो रख दीजिए स्मॉल b आराम से, a की वैल्यू क्या आ जाएगा एक बटे चार, यानी कि b बटे चार रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों। इस फार्मूले पर आप डायरेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं, सियोरिटी के साथ कहते हैं, कोई भी गलती नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, डायरेक्ट सिर्फ रटना है। जो बराबर भुजा है ना, जैसे ए और ए बराबर है, वो 4a स्क्वायर के साथ रहेगा, माइनस बी स्क्वायर जो अलग वाला भुजा होगा जो बेस होगा, और b बटे चार होगा, रट लेना है। नहीं जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट लगाइए, ट्रिपलेट लगाइए, सबसे अच्छा है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हमने बताया है ना, जैसे कि अगर बात करें 3 4 5 ट्रिपलेट होगा, 3 4 5 का मतलब जो 5 का स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यही होता है ट्रिपलेट। अब निकालने का तरीका भी हमने बताया था आपको, जैसे 3 है सबसे छोटा पकड़ते हैं हमेशा, 3 का स्क्वायर 9 9 बटे 2 करेंगे जब विषम होगा, यह संख्या विषम है, सबसे छोटा संख्या पकड़ते हैं ट्रिपलेट में, तो 3 है 3, अगर आपको यह ट्रिपलेट नहीं यह नहीं दिया है तो तीसरा अंक कैसे पता करेंगे, तो इस तरीके से आप लगाते हैं, या फिर यह भी नहीं दिया है तो 3 का ट्रिपलेट कैसे पता करेंगे, तो आराम से 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 को काटेंगे तो 4.5, इसमें 0.5 ऐड करते हैं और 0.5 को माइनस करते हैं, 0.5 ऐड करेंगे तो 5, माइनस करेंगे तो 4, यानी कि 3 4 5 हो गया। लेकिन अगर सर 6 का बताइए, 6 एक सम संख्या है, अब इसका कैसे ट्रिपलेट निकालेंगे सर, इसका ट्रिपलेट होता भी है कि नहीं होता है, तो चेक करिए होता है कि नहीं, तो 6 का स्क्वायर 36, अब अगर विषम होगा तो 2 से भाग देंगे, अगर सम होगा तो 4 से भाग देंगे, 4 9 36, अब अगर विषम होगा तो उसमें 0.5 ऐड करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, लेकिन अगर सम होगा तो जो कट के आएगा उसमें +1 करेंगे -1 करेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे, सम को डिवाइड बाई 4 +1 -1 और विषम को डिवाइड बाई 2 +0.5 -0.5, यह चीज़। तो यहाँ पर 10 आ गया और 9 -1 8 आ गया, यानी कि देख लेते हैं 6 8 10 होता है कि नहीं होता है इस ट्रिपलेट, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 का एडिशन 100 के बराबर आना चाहिए, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब कि हमारा ट्रिपलेट है, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं दोस्तों, आप 8 को भी लेकर निकाल सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं, ट्रिपलेट में कुछ नहीं है, सिर्फ एक जादू है, वो जादू हमने आपको सिखा दिया, समझ आ रहा है। चलिए, तेज नहीं है, बिल्कुल तेज नहीं है, आराम से चल रहे हैं, आराम से चलेंगे भी, बिल्कुल जल्दी नहीं है।
अब एक आपको हम देते हैं संक, आपको इन सेंटर और सर्कम सेंटर की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं। कोई त्रिभुज है दोस्तों, यह मान लेते हैं एबीसी है, एबीसी मान लेते हैं, ए बी सी। वैसे तीनों त्रिभुज के लिए हम बताने वाले हैं सर्कम सेंटर का फार्मूला। सर्कम सेंटर अगर अंदर सर्कल बन जाता है तब रेडियस कैसे निकलता है, अगर बाहर बाहर सर्कल बन जाता है तब रेडियस कैसे निकलता है। यह होता है सर्कम सेंटर, है ना, सॉरी क्या होता है दोस्तों, इन सर्कल, इन सेंटर इसे बोलते हैं छोटे वाले का। अगर बाहर वाला है त्रिभुज, बाहर वाला आपका क्या है, सर्कल है, इसे बोलते हैं सर्कम सेंटर, मतलब कि परिकेंद्र, परिकेंद्र। यह है बड़ा वाला, यानी कि ये आर है परिकेंद्र का, परिकेंद्र का इसे बोलेंगे परिकेंद्र, मतलब कि सर्कम सेंटर। और छोटे वाले को क्या बोलेंगे, इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। अब अच्छा, अंतः केंद्र और परिकेंद्र क्या सारे त्रिभुज का एक हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं? तो जो दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कॉन्सेप्ट, जो परिकेंद्र होता है, लिख लीजिए परिकेंद्र नॉट इक्वल टू अंतः केंद्र, अंतः केंद्र क्यों, किसका, त्रिभुज में, कभी भी नहीं इक्वल होता है, याद रखिएगा। हो सकता है इक्वल हो जाए लेकिन जनरली इक्वल नहीं होता है, ये चीज कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सर्कम सेंटर का मतलब सर्कम सेंटर नॉट इक्वल टू आपका इन सेंटर, इन सेंटर याद रखेंगे दोस्तों। कैसे, जो आपका यह होता है ना दोस्तों, यह सर्कम इन सेंटर होता है, यह कोण समद्विभाजक होता है, एंगल का, एंगल का भाजक करता है, चारों तरफ से एंगल का भाजक करेगा, जहां पे मिलेगा वही होता है इन सेंटर। लेकिन सर सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर जो भुजा होता है त्रिभुज का ना, उसका विभक्त करता है, उस पर लंब डालते हैं, और जहां पे कट करता है वह होता है आपका क्या, परिकेंद्र। तो याद रखेंगे, अब स्मॉल आर कैसे निकलेगा और कैपिटल आर कैसे निकलेगा, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों। जो स्मॉल आर होता है उसके लिए डेल्टा अपान एस होता है, और जो कैपिटल आर होता है ए बी सी अपान में 4 डेल्टा होता है। ये सारे त्रिभुज के लिए अप्लाई होगा, सारे त्रिभुज के लिए, चाहे आपका सर आपका समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे आपका 90 डिग्री ट्रायंगल हो, सबके लिए यही अप्लाई होगा। बशर्ते कुछ बच्चे कहेंगे सर आप गलत बता रहे हैं, लेकिन गलत नहीं है दोस्तों, उसमें आप यही अप्लाई करते हैं, बस उसमें क्या होता है वैल्यू दूसरा आता है, अप्लाई तो यही होगा, समझ रहे हैं ना। डेल अपान एस होगा, डेल जो होगा इस त्रिभुज का एरिया होगा, यस क्या होगा अभी हमने बताया, अर्ध परिमाप होगा, है ना। तो लिख सकते हैं इस चीज़ को, ये डायरेक्टली फार्मूला है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, सेशन समाप्त करते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आराम से पढ़िए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर यह 12 है, यह 10 है दोस्तों, यह 6 है, और यह 30 डिग्री है, ठीक है ना, यह ए बी सी है, तो आपको एरिया बताना है, दो चीज़ बताना है, आर की वैल्यू बताना है और कैपिटल आर की वैल्यू बताना है, यानी कि इन सेंटर और सर्कम सेंटर, बस वही फार्मूला याद रखिएगा। अब 10, 12, 5, 6 है तो आपको पता है यह विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु का कैसे निकलेगा एरिया, तो पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, 10, 12 और 6 जोड़ देंगे, 10, 12, 22, 6, 28, 28 माइनस कर देंगे, 28 बटे 2 करेंगे तो 14 आ गया, अब 14 आपका यस हो गया, तो एस की वैल्यू यानी कि रोज फार्मूला लगा देंगे, एरिया निकल जाएगा। तो बस यह हो गया कैपिटल आर, यह हो गया स्मॉल आर, आराम से निकाल लेंगे, इन सेंटर सर्कम सेंटर यानी कि अंतः केंद्र परिकेंद्र निकल जाएगा ना। चलिए अब आप इसका आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, देखते हैं किसके बाजुओं में जोर है, है ना, करिए दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारा सिर्फ यही मोटिव है कि आप लोग अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें, फ्री में सारी चीज़ें नोट्स अपना प्रिपेयर करें, सारी चीज़ें, हिंदी की क्लास आती है रोज़ 9 बजे शाम को, और 3 बजे अर्चना मैम द्वारा दोस्तों आपके लिए लाया जाता है डेली CDP और EVS, 3 बजे रैंडमली आता है, एक दिन EVS एक दिन आपका CDP दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद रोज़ सुबह 11 बजे आपका मैथ का सेशन होता है, आज 23वां लेक्चर है दोस्तों, रात में हिंदी का भी 23वां लेक्चर होगा। इसके बाद रोज़ सुबह आपका करंट अफेयर GK आता है 10 मिनट का मात्र, डेली फॉलो करिए, 40 नंबर बटोरिए दोस्तों, है ना। अच्छा लग रहा है तो सेशन शेयर करिए, अपने भाइयों को जोड़िए दोस्तों, बस इतना कहना चाहेंगे, और बाकी आपके लिए सारी सेवाएँ फ्री हैं, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, फेसबुक पेज का, ज्वाइन हो जाइए, अगर ज्वाइन होना चाहते हैं डेली जो PDF मिलते हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।